नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल चैनल में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आज आपको फिर से मैं बताऊंगा एक नया चीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और शुरू से लास्ट तक देखते रहें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डोल स्टार्टर। डूल स्टार्टर होता है वो, आप सिंपली तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसकी वायरिंग क्या होती है। आज मैं इसकी वायरिंग डायग्राम बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वायरिंग कैसे करते हैं और कैसे NCNO का उपयोग, पुश बटन का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर कोई बेल बेल आइकन का जो मार्क्स जो चिन्ह आए उसको भी ओके कर ले दोस्तों। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर जो भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो वो वीडियो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। जो जो मैं आप नया वीडियो डालूंगा, जो जो मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में सिखाऊंगा दोस्तों, मैं बताऊंगा दोस्तों, वो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। तो अब इस समय न गवाते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डूल स्टार्टर के बारे में जानते हैं और वायरिंग डायग्राम देखते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये कॉन्टैक्टर है दोस्तों। कॉन्टैक्टर का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, कर पे आप देख लीजिए। इसके दो पॉइंट हैं, ये कोइल के हैं, A1 A2। इसमें हम सप्लाई देंगे, एक में न्यूट्रल देंगे, एक में फेज देंगे। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनल है, इसे फेस देंगे, एक 1 2 3, 1 फेस 2 फेस 3 फेस। ये भी NO है, ये सब NO ही है दोस्तों। ये दो पॉइंट NC के हैं। अभी अपने को NC यूज में नहीं लेना है, अभी कभी आगे मैं बताऊंगा NC का कैसे उपयोग करते हैं। तो अभी चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, अपने पास जैसे दो वायर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अपना एक वायर हो गया न्यूट्रल का और एक हो गया अपना लाइन का। दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दो वायर आ गए अपन, ठीक है। मान लो ये न्यूट्रल, मान लो दोस्तों ये न्यूट्रल का वायर आ गया, ठीक है। एक बार न्यूट्रल का अपना वायर अपन जोड़ देंगे ये डायरेक्ट, इसमें न्यूट्रल का वायर अपने A1 में, A1 पे जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही अपन फेस लेंगे, आपको बता देता हूँ, ये RYB। सॉरी दोस्त, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, मैंने लिखेगा भी नहीं। चलो ऐसे मान लो कोई 3 फेस ले लो आप, उसके हिसाब से फिर कर लेना है दोस्तों। Y हो गया, बोलिए तीन फेस ले लिए दोस्तों, ठीक है। अपने क्या करना है, मेन तो अपने कंट्रोल वायरिंग सीखना है दोस्तों।
जो इसका मेन वायरिंग वो देखना है दोस्तों। पहले अपन क्या करना है, एक फेस लेना, कोई से भी तीनों फेस में से एक फेस उठाना है। एक फेस उठा लिया अपने, ले लिया एक एनसी में दे दिया, ठीक है दोस्तों। एनसी में देने के बाद में अपने को एक वायर उठाना है यहाँ से, ये यहाँ एनो में दे दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं उठाया एक, यहाँ पे एनो में दे दिया, ठीक है दोस्तों। फिर अपने को एक यहाँ से उठाना है एक वायर, इसमें ये जो एनो का पुश बटन है, ठीक है दोस्तों, इस पर दे दिया, ठीक है दोस्तों। फिर इसको अपन यहाँ से उठाएंगे वायर एक दे दिया अपने, इसमें दे दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उठाया अपना वायर एक, ये अपने कॉइल में दे दिया, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक डुअल स्टार्टर बना दिया है अपने। यहाँ से थ्री फेस वायर लेंगे और ये अपन जोड़ देंगे किसमें, ये मोटर में जोड़ देंगे, या फिर दोस्तों मोटर हो गई मोटर, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखो मैंने तीन वायर लिए सप्लाई के, वो अपने को, ये तो पावर वायरिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। मेन जो दिक्कत आती है वो उसी में ही आती है, कंट्रोल वायरिंग। अपने को एक फेस उठाना है, फिर बता रहा हूँ, एक फेस उठाना है अपने को एनसी में देना है, एनसी पुश बटन है उसमें। फिर यहाँ से एक निकालना है, एक इसमें देना है और एक इसमें देना है, किसमें, एनो पॉइंट में, एक ये इसमें एनो पॉइंट में देना है, ठीक है। उसके बाद में एक इसमें दे दिया, इसको यहाँ से उठाना है इस वायर को, और ये एनो में देना है ऊपर वाले में। फिर यहाँ से उठाना है, इसको देना है कोयल में। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, जिस मतलब कि ये स्टार्ट बटन हो गया मान लो, अब इसको स्टार्ट बटन कह सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप, अब स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो क्या है कि इसमें पहले से सप्लाई आ रही है, इधर से देख रहे दोस्तों, क्या है कि इसमें से पहले ही सप्लाई इसमें आ रही है। जैसे अब इसको ऑन करेंगे तो क्या है, इसमें जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो इसमें क्या है कि एनसी बन जाएगा। एनसी बनने के बाद में ये वायर यहाँ से जाके इसमें सप्लाई आएगी, जैसे इसमें तो ये होल्ड हो जाएगा कॉन्टैक्ट, इसमें सप्लाई ऑलरेडी मिल रही है, ऐसे होल्ड हो जाए यहाँ से, जैसे इसमें सप्लाई आई या ये ए टू में गई सप्लाई, तो ये कोयल होल्ड करेगा तो एक कॉन्टैक्टर चिपक जाएगा, तो ये होल्ड ही रहेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से मिल रही है जब तक। उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे स्टॉप बटन को, तो वो क्या है कि ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा इसका, तो क्या है बंद हो जाएगा, इसमें सप्लाई आगे नहीं जाएगी और फिर वो अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, इसलिए अपना कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है दोस्तों। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मोटर अपनी स्टार्ट हो जाएगी, ये डुअल स्टार्टर काम है।